मिलेनियम सिटी गुरुग्राम में ना सिर्फ सरकारी चिकित्सा सेवा बल्कि शिक्षा सुविधाओं के भी हाल बदतर हैं। गुरुग्राम के गांव चौमाखेड़ा के राजकीय माध्यमिक स्कूल के शौचालय के हालात आप देख सकते हैं कि नरक के समान है, और इन्हीं हालातों में यहां शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थी स्वच्छता का पाठ सीख रहे हैं। यहाँ के स्टाफ से मिली जानकारी के अनुसार यहाँ कोई भी सफाई कर्मचारी सरकार के द्वारा मुहैया नहीं करवाया गया है। जब यहाँ के विद्यार्थियों से बात की गई तो उनका कहना था कि क्लासरूम की सफाई भी उन्हीं से करवाई जाती है और अभिभावकों ने तो बच्चों को कीड़े वाला खाना खिलाने के आरोप भी लगाए। ऐसे में जिला उपायुक्त एवं जिला शिक्षा अधिकारी को तुरंत प्रभाव से संज्ञान लेना होगा। इसी अवसर पर मीडिया से बात करते हुए आम आदमी पार्टी के युवा जिला अध्यक्ष नितिन बत्रा ने बताया कि इससे पहले भी इन्हीं बच्चों की व्यवस्था को लेकर उनके द्वारा आवाज उठाई गई थी, जिस पर संज्ञान लेकर प्रशासन ने इन बच्चों को इस स्कूल में शिफ्ट कर दिया था, लेकिन यहां भी शिक्षा के मंदिर में गंदगी का आलम हरियाणा सरकार के लिए बेहद शर्म की बात है। मनप्रीत जी, ये दयनीय हालत देख के इतना बुरा लग रहा है मुझे कि क्या हमारा देश का भविष्य कहाँ जा रहा है। हमारे बच्चों से स्कूल में सफाइयाँ करवाई जा रही हैं, हमारे बच्चों को अच्छा शिक्षा का स्तर नहीं दिया जा रहा, और साथ ही साथ अगर हम बात करें स्वच्छता की, ये तो हमारा मौलिक अधिकार है। अगर हमारे यूरिनल साफ नहीं है, हमारे वॉशरूम साफ नहीं है, तो ये बच्चों को कल को इन्फेक्शन हो सकता है, कोई बीमारी लग सकती है। वहीं वॉशरूम है, वहाँ की स्मेल कम से कम 4 क्लास दूर तक आ रही है, बच्चे कैसे पढ़ेंगे? और अगर बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो हमारे बच्चों का कहाँ से विकास होगा और कहाँ से हमारे बच्चे विकसित बनेंगे? ये टीचर बताने से भागते हैं, हेडमास्टर यहाँ पे अवेलेबल नहीं थे जब हम आए। आपको याद होगा हमने थोड़े टाइम पहले इसी स्कूल के लिए ऐसे ही एक स्कूल के बारे में हमने करा था प्रोग्राम, जिसके अंदर स्कूल टूटा हुआ था और बच्चों को वहाँ पे पढ़ाया जा रहा था, उसी स्कूल के बच्चों को यहाँ पे शिफ्ट किया गया है। आपने अगर किसी स्कूल के बच्चों को दूसरे स्कूल में शिफ्ट किया गया है तो उनको अच्छा, वहाँ पे भी तो यही प्रॉब्लम्स थी जिनको हमने उठाया था, पीने का पानी नहीं था, साफ वॉशरूम नहीं थे, तो यही प्रॉब्लम यहाँ पे भी है, तो शिफ्ट करके हमने क्या कर लिया? और दूसरी चीज़, अगर हम अपने बच्चों को खाना दे रहे हैं, हमारे भी तो घर में बच्चे हैं ना, क्या हम उनको एक कीड़े वाला खाना खिलाएंगे और उनको बोलेंगे कीड़ा निकाल के बेटा साइड रख दो और ये खाना आप खा लो? हम अपने बच्चों के साथ नहीं करेंगे तो ये भी तो हमारे बच्चे हैं। हम इस बात को कब स्वीकारेंगे कि सरकारी स्कूल में जो बच्चा आ रहा है वो सरकार का बच्चा है और सरकार को उसकी जिम्मेदारी उठानी चाहिए? मैं एक छोटी सी चीज़ उनसे विनती करना चाहूँगा, राजनीति बहुत दूर की बात है, राजनीति आपने करनी है आप करिए, लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करिए। जैसे हम दिल्ली के अंदर स्कूल दे रहे हैं, हम भी तो यही सोच के दे रहे हैं कि हमारा भविष्य अच्छा होगा। अगर हमारा भविष्य अच्छा होगा तभी हमारा देश आगे बढ़ पाएगा, चाहे हमारी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन हो जाए, 10 ट्रिलियन हो जाए, अगर हमारा भविष्य अच्छा नहीं है, जो हमारी नींव है अगर वो कमज़ोर है, तो हम आगे मकान कहाँ खड़ा कर पाएंगे? के माध्यम से मैं जितने पेरेंट्स यहाँ पे खड़े हैं, जितने लोग ये वीडियो देखेंगे, अगर आपके सरकारी स्कूल में भी जहाँ आपका बच्चा पढ़ने के लिए जाता है, अगर वहाँ पे भी ऐसी कोई हालात है, तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा आप हमें कॉल करें, हमें कॉन्टैक्ट करें, हम वहाँ पे आएंगे। और मैं यहाँ खड़े बच्चों को और पेरेंट्स को ये आश्वासन दिलाता हूँ कि जब तक उनका भाई, उनका बड़ा भाई, उनका बेटा उनके साथ खड़ा है, उनको कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। जब हमने पिछली बार ये स्कूल का मुद्दा उठाया था और हम स्कूल को हमने कवर किया था, उस टाइम पे मुझे इनके जो बड़े प्रिंसिपल हैं उन्होंने बुलाया और बुला के मुझे बोला कि मैं आपके खिलाफ FIR कर दूंगी कि आपने मेरे स्कूल की इस दयनीयता को दिखाया है। मैं आज उस प्रिंसिपल को दोबारा ये बात बोलना चाहूँगा, जहाँ जहाँ मुझे स्कूल ख़राब मिलेगा पूरे गुड़गांव, पूरे हरियाणा के अंदर, वहाँ वहाँ मैं जाऊँगा। आपको अगर मेरे खिलाफ़ FIR करनी है आप कर सकते हैं, मुझे उसका कोई डर नहीं है। मुझे अपने देश का भविष्य सुधारना है और ये जिम्मेदारी उठाने का बीड़ा आम आदमी पार्टी ने लिया है, देश के भविष्य को सुधारने का। देखिए, यहाँ की हालत बहुत दयनीय है। जैसे कि अभी बच्चे बता रहे थे कि उनको कहा जाता है कि अगर खाने में कीड़े हैं तो कीड़ा निकाल के खा लो। मैं कहना चाहूँगा कि जिस किसी श्रीमान श्रीमती ने इनको ये कहा है कि जब कीड़े निकाल के खा लो, क्या वो खुद खा पाएंगे? क्या प्रशासनिक अधिकारी, क्या DC साहब या जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं, उनसे गुजारिश करूँगा कि स्कूल में कर बार विजिट करें और उनसे पूछें, जिस किसी टीचर ने ये कहा है कि कीड़ा निकाल के खा लो, उनसे करवाया जाए कि भाई आपके खाने में कीड़ा है तो क्या आप निकाल के खा लेंगे? सफाई व्यवस्था पर ध्यान दिया जाए, अधिकारी इस पर ध्यान दें। हम तो दूसरी तरफ हम चाह रहे हैं कि दिल्ली के स्कूल जिस तरह बहुत अच्छे बन गए हैं, हरियाणा सरकार क्यों नहीं कर पा रही? ये वो शहर है जिसमें सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, यहाँ के सरकारी स्कूलों को तो कम से कम अच्छा होना चाहिए, होने चाहिए, पूरे प्रदेश के स्कूल अच्छे होने चाहिए, लेकिन जो खजाने का भंडार है जहाँ से सब पूरा स्टेट चल रहा है, कम से कम वहाँ के स्कूल तो अच्छे हों। मेरा नाम है गेंदा रानी।
मेरे पोते पढ़ते हैं जी, बाथरूम की लेटरिंग की सब कुछ की, पानी की सब कुछ की है, बच्चे बीमार पड़ जाएंगे जी, इतनी गंदगी है कि कुछ नहीं है, बच्चे बाथरूम कपड़े मकान लेते हैं, हैं कितनी गंदगी है देखो तो, सफाई चाहिए हो क्या कहना है जी, बच्चों को सभी साधन हुआ जो होना चाहिए है, जब तो बच्चे पढ़ाएंगे, हम मजदूर आदमी बीमार पड़ जाएंगे सर तो हम क्या करेंगे, बच्चे पढ़ाएंगे उनकी दवाई कराएंगे, बहुत गंदगी है सर। चार बच्चे पढ़ते हैं मेरे इधर, एक पहली में, फिर दूसरा फोर्थ क्लास में, दो सिक्स में, ये सब बात सही, बस ये लैट्रिन बाथरूम की साफ सफाई रहनी चाहिए और बच्चों को पानी उनी की सुविधाएं होनी चाहिए, बच्चों को बोतल लानी पड़ती है, हर स्कूल में पानी होता है, हमारे बच्चों से सफाइयाँ ना कराई जाएँ, और जिस तरीके से हमारे बच्चों से सफाइयाँ कराई जाती हैं और खाना जबरदस्ती कराया जाए, हमारे बच्चों के साथ ना जबरदस्ती कराया जाए, खाना अच्छा नहीं देते, अच्छा नहीं देते खाना, खाने में अगर कुछ निकल भी जाता है तो कैसे हटा दो और खा लो, तो ये चीज़ गलत है कि अगर कीड़ा भी उसके अंदर पड़ा हुआ है तो उसको निकाल दो और खा लो, तो माना तो कीड़ा तो है ना उसके अंदर, तो उसको कहते हैं हटा दो और उसको खा लो, तो ये चीज़ गलत है, हम तो अपने घर से खाना देते हैं, तो जबरदस्ती बच्चों के साथ ना की जाए खाने के लिए। ग्राउंड में बहुत सारा कूड़ा पड़ा है उधर, गंदगी बहुत पड़ी है उधर ही, खाना फेंकते हैं, बासी हो जाता है तो उधर ही वो बच्चे खेलते हैं तो बीमार हो जाते हैं, कीड़े कीड़े हैं उधर, क्लास में झाड़ू लगाते हैं वो, तो उस पर बेंचों पे वो कपड़ा मरवाते हैं, बाथरूम भरे पड़े हैं सारे, और बच्चों से झाड़ू लगाए जाते हैं स्कूलों में, और पानी भी उठवाया जाता है, और खाना भी जबरदस्ती करते हैं खाने के लिए, ये खाओ, और खाना अच्छा नहीं आता।